दोस्तों स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी पिक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड फोर्स का एग्जाम के बारे में, जो कि यहाँ पर सोलो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और काफ़ी बड़ी मात्रा में धांधली हो रखी थी। काफ़ी आरोपी यहाँ पर पकड़े गए थे। आरोपी ने खुद यहाँ पर कबूला है कि हमने जो है मोबाइल देकर वीडियो डिवाइस देकर काफ़ी बड़ी मात्रा में धांधली करवा रखी है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है 4-5 लाख रुपये भी लिए जाते धांधली कराने के। आपको बता दूँ कि यूके त्रिपुरा से नहीं मान रहा है कि बिल्कुल भी यहाँ पर धांधली हो रखी है। उनका यहाँ पर दावा है कि परीक्षा में कोई भी यहाँ पर धांधली नहीं हो रखी है और ना ही आप फर्ज कर की जो परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाएगी और ना ही भर्ती जो है रद्द कराई जाएगी। इसका यहाँ पर बड़ा यहाँ पर इन्होंने बयान देखा, देख सकते हैं इस वीडियो में क्या यहाँ पर लिखा गया है यूके त्रिपुरा के द्वारा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आयोग ने बहुत बड़ा यहाँ पर दावा कर रखा है भर्ती परीक्षा को लेकर। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है फॉर्जर का भर्ती परीक्षा नहीं होगी रद्द। तो यहाँ पर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, आयोग का इनकार। तो यहाँ पर आयोग ने इनकार कर दिया है। और देख सकते हैं यहाँ पर आयोग का दावा, ना तो पेपर लीक हुआ और ना ही घोटाला। तो देख सकते हैं ना ही पेपर लीक हो रखा है ना ही घोटाला, जबकि सभी लोगों को बताया कि पेपर में कितना बड़ा घोटाला हो रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी। अब जो है ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि पारदर्शिता को रखने के लिए जो है यूके त्रिपुरा अब जो है ऑनलाइन परीक्षा करने के लिए यहाँ पर तैयार कर रही है और इससे जो है गड़बड़ी समाप्त हो जाए ऐसा यहाँ पे कार्य है। और देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है फौज का भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर हो रहे विरोध के बीच यूके त्रिपुरासी ने परीक्षा रद्द कराने से साफ इनकार कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते साफ इनकार कर दिया है। आयोग ने दावा किया है कि भर्ती परीक्षा में ना तो पेपर लीक हुआ है ना ही घोटाला हो रखा है। यहाँ पर लिखा गया है यह एक नकल का मामला है जिसकी जाँच SIT कर रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नकल का मामला है ऐसा यहाँ पे कह रखा है और धांधली बिल्कुल नहीं हो रखी है ऐसा यहाँ पे कहा गया है। रविवार को आयोग ने आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने फर्ज का भर्ती परीक्षा परिस्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग की वेबसाइट के माध्यम से जो है उम्मीदवारों को संवाद किया था ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो लगभग जो है आयोग कह रहा है कि मार्च 2017 के बाद से अब तक की जो है चयन आयोग ने 63 भर्ती परीक्षा आयोजित कराई है और 5,000 से अधिक पदों पर जो है चयन आयोग पूरी की है ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। जबकि वर्ष 2015 से 2017 तक मात्र यहाँ पर 3 परीक्षाओं में 600 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया था ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रखा है कि भर्ती परीक्षा बिल्कुल भी आपका नहीं होगी दोबारा और ना ही यहाँ पर पेपर होगा, रद्द बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और भर्ती जो है कोई भी यहाँ पर लीक नहीं हो रखा, घोटाला भी नहीं हो रखा ऐसा यहाँ पर कहा गया है यूके त्रिपुरा के द्वारा। अब देखते हैं भर्ती जो है दोबारा होती है या नहीं।